आज क्या कहेंगे इफ्तार पार्टी में उस्मान गनी जी को और क्या मैसेज होगा? पहले मैं थैंक यू मीडिया और मैं उस्मान गनी जी को थैंक यू कहना चाहूँगी और इन्होंने आज मुझे यहाँ पे बुलाया पार्टी में और हम सबको बहुत अच्छा लगा और एक छोटा सा ये गेट टुगेदर था कि सारे कास्ट के नॉट ओनली मुस्लिम यहाँ पे सारे कास्ट के लोग एक साथ आए एक साथ बैठकर उन्होंने इफ्तारी पार्टी को एंजॉय किया इसके लिए थैंक यू सो मच और अब मराठी में बोलूँगी मी मराठी मुलगी असताना ही या पार्टीमध्ये आली कारण नुसते मुस्लिमच नाही की असं लोकं म्हणतात की मुस्लिमच आहेत मुस्लिमच्या पार्टीमध्ये जायचं नाही असं नाही आहे तर ही पार्टी फक्त एक इंसानियत के नाते मैं यहाँ पे आई हूँ तो इसके लिए थैंक यू सो मच और मेरे तरफ से सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं दानिश भाई आज आप क्या कहोगे इफ्तार पार्टी है और मान जी के बारे में और देश को क्या मैसेज होगा इफ्तार पार्टी में? माशाल्लाह बहुत अच्छा इफ्तार पार्टी ने रखा है आते साल इंशाल्लाह इससे बड़ा करे और अच्छा करे अल्लाह पाक किन्तु तरह और तरक्की दे और आगे बढ़े और हमारे इस्मान भाई इस तरीके से सब लोगों को बुलाने की अच्छी अच्छी मतलब कोशिश करें और सारे लोगों को अपने पास जमा करें और हम सभी लोगों की शुभकामनाएं इनके साथ में हमेशा है और हमेशा रहेगी इंशाल्लाह। ये हमारे दानिश भाई है मेरे सुख दुख के साथी है माशाल्लाह बहुत अजीज दोस्तों में से हैं ये चले गए थे मगर मैंने इनको इंशाल्लाह वापस बुलाया और मुझे बेहद खुशी है कि मेरे भाई मेरी बात रखते हैं और वापस आ जाते हैं और इफ्तार पार्टी के लिए उन्होंने चार चांद लगा दिए माशाल्लाह खुद एक पर्सनलिटीज है खुद एक खुद बड़ी एनजीओ चलाते हैं फाइट फॉर राइट्स इसका मतलब है अपने हक के नहीं लड़ना और मुझे बेहद खुशी है कि हर इंसान अपने हक के नहीं लड़े उनमें से एक अपने दानिश भाई है।